35 टुकड़े। कुछ स्त्रियां अखंड पीड़ाओं से खंड खंड होती, नितांत अकेली जीती हैं। 35 नहीं असंख्य टुकड़ों में कत्ल हुई अपनी घायल सूक्ष्म देह के क्षत विक्षत अंगों को चुनती हैं, चूमती हैं और करती हैं बिना आवाज के विलाप। वह सहेजती हैं अपनी मृत देहों को और करती हैं स्वयं उनकी अंत्येष्टि। और पुनर्जन्म उनका बार बार सतत सृजनरत सामर्थ्य से समृद्ध उन रहस्यमयी स्त्रियों की कभी कोई उजली चमकदार खबर नहीं बनती है। उनके सूक्ष्म देहों की मृत्यु के लिए कोई शोक सभा आयोजित नहीं होती है, क्योंकि वह चट्टान सी स्त्रियां बाहर से हमेशा साबूत देह में दिखाई देती हैं। अगली कविता है, उसने कहा तुम नदी हो, नदी खिलखिलाकर बोली हाँ, लहराती बलखाती डूबती उफनाती पहाड़ों से उतरती नृत्यांगना हूँ, पृथ्वी आकाश नक्षत्रों के आरोह अवरोह में लयबद्ध स्वरमयी प्रिया हूँ, रोकना नहीं मैं ताल तलैया में ठहरती नहीं। बारूद। मन के तहखानों में कभी उतरना, उठाकर देखना उन टूटे फूटे टुकड़ों को जिनकी किरचें चुभती हैं तुम्हें, बिलखती हैं जो दम तोड़ती सी अनुभूतियाँ, वह घुटी आवाज में आज भी जीवित हैं। वह हिंसक साजिशें तुम्हें ही खोखली कर रही हैं जो रच सहेज रखी हैं तुमने मन के तहखानों में। अपने हृदय के महासागरों में उतरना और सहेजना वह सीपियां जो उसने उछाल दिया है किनारे पर, उसमें बंद हैं आनंद के रहस्य। मस्तिष्क की उन सुरंगों में जाने का साहस जुटा लेना, सीख लेना वहाँ लिखी उन तरंगों को पढ़ने की वह लिपि, जिससे हल होते हैं कुछ प्रश्न और तुम अपनी ही बनाई बारूद बिना विस्फोट के नष्ट कर सकोगे जो तुम्हें ही खत्म कर रही है प्रतिक्षण। सिंदूरी औरतें, सुर्ख औरतें। मांग के सिंदूर में छुपी होती हैं अनेक कहानियाँ, सुख दुख भय निर्भयता निर्भरता का छल, अटूट विश्वास अविश्वास के हिचकोले, अगाध प्रेम श्रद्धा भक्ति, भारतीय स्त्री का समूचा विश्व। सिंदूर से सिंदूरी जीवन और उसकी अनुपस्थिति में गहरी पीड़ा, काली छाया, गहन उदासी। देह मन आत्मा होती है एक साथ सिंदूरी, ऐसा विरल क्षण कभी कभी कहीं कहीं ही होता है। सौंदर्य से सिंदूर का गहरा नाता, संभावनाओं से भरी स्त्री का सिंदूर सुर्ख न रह पाया कभी।
मैंने चाहा था थोड़ी देर के लिए ही सही, मैं सो जाती एक झपकी आ जाती। थोड़ी देर के लिए ही सही, मैंने चाहा था एक झपकी आ जाती, मैं थोड़ी देर सो जाती। लेकिन न जाने कैसी सजा है कि अभिशप्त हूँ, कितने दिन बीत गए मैं सो नहीं सकी। मेरे भीतर एक अति प्राचीन जर्जर, कुछ युवा स्त्रियाँ अपलक जागती रहती हैं, उनके आक्रामक बेखौफ कोलाहल से सब कुछ भीतर अस्त व्यस्त है। बेचैन हूँ, उनकी सिसकियाँ मेरी रातों में करवटें बदलती रहती हैं। दिन रातों की तरह काले हैं, रातों का पता नहीं, अनिद्रा है, स्तब्ध हूँ। मैं कागज कलम उठाती हूँ, सोचती हूँ कुछ लिखूँ, लेकिन वह सारी स्त्रियाँ झपट कर मेरे हाथों से कलम छीन लेती हैं और हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाती हैं। कहती हैं लिखने से किसी के और हाँ तेरे भी दुख मिटते नहीं। मैं उनसे कहती हूँ मैं लिखना चाहती हूँ तुम्हारे लिए एक नया लास्य, पर देखती हूँ वह सारी स्त्रियाँ मेरी झपकियों नींदों को अपने पैरों तले कुचलते हाहाकार मचाते हुए कहती हैं हम करना चाहती हैं तांडव। शुक्रिया।